अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हैप्पी लाइफ विद मोना। दोस्तों, आज मैं आपको चिकन शाशलिक बनाना सिखाऊंगी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों, शाशलिक बनाने के लिए सबसे पहले चिकन मैरिनेट करेंगे। हाफ के जी बोनलेस चिकन, छोटे साइज़ की बोटियाँ, ये हम मैरिनेट करेंगे। सोया सॉस 1 टेबल स्पून, सिरका इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, मसाले इसमें ऐड करेंगे नमक 1/2 टीस्पून, कुटी लाल मिर्चें 1 टीस्पून, पिसी काली मिर्चें 1/2 टीस्पून। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे और आधे घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। फिर इसे फ्राई करेंगे शैलो फ्राई। दोस्तों, हमारी चिकन मैरिनेट हो गई है। हमारा प्री हीटेड पैन है, इसमें 2 टेबल स्पून हमने घी या ऑयल डाला है। अब हम इसमें शामिल करेंगे मैरिनेट की हुई चिकन। अब मीडियम फ्लेम पे 10 टू 15 मिनट्स इसे फ्राई करेंगे ताकि चिकन अच्छी तरह गल जाए। इसे कवर करके पकाएंगे चिकन गलने तक। दोस्तों, जब तक हमारी चिकन फ्राई हो रही है, एक और पैन लेंगे, उसमें 2 टेबल स्पून घी ऑयल लेंगे, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें फ्राई करेंगे। फाइव मिनट्स अदरक लहसुन का पेस्ट पकाएंगे। दोस्तों, बबल्स बन रहे हैं। अदरक लहसुन फ्राई होने की बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। इसे ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा सौते करना है। इसमें शामिल करेंगे इस पॉइंट पे हम टमाटो केचप 4 टेबल स्पून, आधा प्याला। इसके साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून इसमें शामिल करेंगे सिरका, 1/2 टीस्पून वाइट मिर्च, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून शक्कर, 1 टीस्पून। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये हम ग्रेवी तैयार कर रहे हैं। शाशलिक हम ग्रेवी के साथ बनाएंगे आज, उसे चावलों के साथ खाएंगे। दोस्तों, इसे बस 2 मिनट्स पकाएंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे पानी, जितनी आपको ग्रेवी रखनी है। हम इसमें तकरीबन 1.5 गिलास पानी डाल रहे हैं। अब हम इसमें उबाल आने का इंतज़ार करेंगे, फिर कॉर्नफ्लोर घोल के डालेंगे। 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर पानी में घोल लें। दोस्तों, बबल्स बन रहे हैं, ग्रेवी में उबाल आ रहा है। अब इस पॉइंट पे चमचा चलाते हुए 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर जो हमने पानी में घोला है ऐड करेंगे। चमचा चलाते रहेंगे, फ्लेम हमारा मीडियम हाई है। ग्रेवी को इतना पकाएं जितना आप इसे गाढ़ा रखना चाहते हैं। अगर आपको ज़्यादा गाढ़ा लगे तो आप थोड़ा पानी और ऐड कर सकते हैं। चिकन की शाशलिक की ग्रेवी थिक हो जाए तो इसका चूल्हा बंद कर देंगे हम।
फिर जब चिकन रेडी होगी तो इसमें ऐड करेंगे। चमचा चलाते हुए हमने इसे पकाया, ये इतनी गाढ़ी हो गई। चिकन ऐड करके ये और गाढ़ी हो जाएगी। ठंडा होने पे इसे बस हम इतना ही पकाएंगे। दोस्तों 15 मिनट्स हो गए हैं, अब हम चिकन को चेक करेंगे। चिकन फ्राई हो गई है, इस पर गोल्डन गोल्डन सा कलर आ गया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे एक बड़े साइज की प्याज, चकोर चकोर काट के। दो दरमियाने साइज के टमाटर छोटे छोटे काट के। दो शिमला मिर्च चकोर कटी हुई। इन्हें 2 मिनट्स फ्राई करेंगे। दोस्तों 2 मिनट्स हो गए, हमने सब्जियों को सॉटे कर लिया। अब हम इसे ग्रेवी में ऐड करेंगे। देखें इसके कितने खूबसूरत कलर आ रहे हैं। टू मिनट्स ही इसे ग्रेवी में पकाएंगे, फिर हमारा शाश्लिक रेडी हो जाएगा। दोस्तों ग्रेवी में हम चिकन और सब्जियां रेडी हो गई हैं, उन्हें ऐड कर रहे हैं। फ्लेम हमारा हाई है, इसे 2 मिनट्स इसमें पकाएंगे, फिर हमारा शाश्लिक रेडी हो जाएगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस देख सकें। दोस्तों हमारा मज़ेदार चिकन शाश्लिक रेडी है, मैं आपको इसे निकाल के दिखाती हूँ। इसे हम चावलों के साथ सर्व करेंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हैप्पी लाइफ विद मूना।